वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, शॉर्ट में CUSB बोलते हैं, हिंदी में दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd और 5 ईयर इंटीग्रेटेड BLLB ऑनर्स में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। कट ऑफ लिस्ट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। इस वीडियो के लिंक में भी मैं कट ऑफ लिस्ट के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। अब सवाल आप में से कई लोगों के आ रहे हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो आगे वीडियो में मैं आपके साथ एक एक सवाल जो सवाल बार बार आ रहे हैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला सवाल आया कि फर्स्ट कट ऑफ आ गया है, कौन लोग एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। कट ऑफ जैसा कि आपने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स के कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 1000+ भी आ गए और कुछ के कट ऑफ 900 है। तो जिनका कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी में से हैं, तो अगर आपके मार्क्स 1001 से ज़्यादा या उसके बराबर हैं, तो आप एलिजिबल हैं ऑनलाइन फ़ी जमा करने के लिए। अगर आपका एक भी मार्क 0.25 भी मार्क्स कम है कट ऑफ से, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो CUSB का समर्थ पोर्टल है वो आपको अलाउ नहीं करेगा और ना ही वहाँ पे आपका डाटा शो होगा फ़ी जमा करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्हीं लोगों का मौका मिलेगा जिनके मार्क्स कट ऑफ के बराबर, चाहे आप या कट ऑफ से ज़्यादा हों, जनरल कैटेगरी से हों या फिर OBC से हों, EWS से हों, SC ST कैटेगरी से हों, PWD हों या वार्ड ऑफ डिफेंस CW कैटेगरी इनसे हों। यही कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। तो आप एक बार देख लें, जो नोटिस आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वेबसाइट पे www.cusb.ac.in एडमिशन पेज पर जाएं, ऊपर ही फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि अब फ़ी कैसे जमा करें। फ़ी जमा करने के लिए आपको वही करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, www.cusbsuet.samarth.edu.in। ये वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक नोटिस में भी दी हुई है। उस पोर्टल पर आप जाएं, आप अपने जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, आप लॉगिन करें। लॉगिन करते ही पेमेंट की लिंक आएगी, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पैसे आपके सबमिट होने के लिए आपको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ आपको पैसे जमा करने, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। फ़ी कितनी लगेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि BA BEd और BLLB के लिए 11,718 रुपये है, 11,718, और BSc BEd के लिए 12,718, क्योंकि उसमें लैब चार्जेस जुड़ जाते हैं। तो तीन ही कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ये दूसरा सवाल था कि कैसे फ़ी जमा करें। आप सीट्स कितनी हैं, BA BEd और BSc BEd में 63 सीट्स हैं सारे कैटेगरीज को मिलाकर, तो करीब करीब जनरल कैटेगरी के लिए 30 सीट्स आती है, 17 सीट्स आसपास OBC के लिए आती है, और इसके अलावा सीट्स SC ST के लिए है, EWS के लिए है, और इस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। अगर हम बात करें BLLB की, तो 132 सीट्स, तो करीब करीब 60 के आसपास सीट आती है जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है सीट्स, तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब ये सवाल आता है कि अगर आपने फ़ी सबमिट कर दिया तो आगे क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि फ़ी सबमिशन के लिंक ओपन हुई है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच तक, तो आप फ़ी जमा कर देंगे। फ़ी जमा करने के बाद आपके पास कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपका फ़ी जमा हो गया, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। इससे आगे की प्रक्रिया यह है कि एक लिस्ट आएगी, एक लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी करेगी, जिसमें जिन लोगों का कन्फर्म एडमिशन हो गया है उनका नाम कन्फर्म लिस्ट में होगा। उसके बाद वो लोग जो कट ऑफ में नीचे मार्क्स में हैं उनका नाम वेटिंग में आएगा। तो उन लोगों का नाम जिनका वेटिंग में आया है उनको सेकेंड या थर्ड लिस्ट में चांस मिल सकता है, जो भी यूनिवर्सिटी फर्दर लिस्ट जारी करेगी। तो ये आप ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है जिनका मार्क्स कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ में बराबर या ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं रजिस्टर करेंगे तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा सेकेंड और थर्ड लिस्ट के लिए। तो यही प्रक्रिया होती है, स्टैंडर्ड यही प्रक्रिया है। आगे कुछ और सवाल होंगे जो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए, जो मैं आज करूँ कल करूँ, उसमें भी आपके सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वेबसाइट को विजिट करते रहें, एडमिशन पेज को विजिट करते रहें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर तो आते ही हैं, चैनल पर आते रहें, यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। वो लोग जो सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, दूसरे वीडियो में मैं उनकी जानकारी उसके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि
कोई भी नया वीडियो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या सीएट में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इस वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।